ऐसा एक सेंटेंस कहा ये आप अगर सुनेगा ना आपको गुस्सा जरूर आएगा। ऐसे फूल सुन सुन के कलसा क्या बनाता है, गजले मजले गाते हैं, कोई पहुंचा नहीं है, दो या तीन ही घर है, वहां से जाके भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करते हैं। हर किसी का हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, वो भी दिन में 1-2 GB भरा के न्यूज देखता है। You can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली। और प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। तो आपने वही देखा, चंद्रयान थी लैंड हो गया, और उसका जो खुशी है आज पूरा देश भर में जम के है। और क्यों नहीं होगा, देश का साइंटिस्ट ने, इसरो का साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया। हम देश का जो गर्व है, आज का दिन में जो खुशी है, इसका एक्सप्लेनेशन किसी का पास नहीं है। भारत आज वो देश बन चुका है, चांद में पहुंचने वाला 4th देश, साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला देश, और ये जब तक ये दुनिया जिंदा रहेगा हर वो पल में भारत का नाम याद रखेगा। ये गर्व का पल है, हर किसी को इसमें खुशी होना जरूरी है। तो इसी खुशी में मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए तो वो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। नमस्ते, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज चंद्रयान का जो लैंडिंग है आप सभी ने देखा, मैंने भी दिखवाया, ये तो खुशी का पल है। लेकिन साथ में मैं और एक चीज, एक बात है आर्टिकल 370 को लेकर, उसका पर कुछ बोलना चाहता हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो आपको तो मालूम ही है आर्टिकल 370 का ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कपिल सिब्बल ने ऐसा एक सेंटेंस कहा, ये आप अगर सुनेगा ना आपको गुस्सा जरूर आएगा। इसे मैंने पहला दिन ही बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सेप्ट ही नहीं करना था। चलो वो तो मैं बोला, मेरा बात मानकर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता है, फिर भी किया, सुनवाई चल रहा है, आज 9th डे है, कंटिन्यू प्रोसेस में है। तो आज कपिल सिब्बल ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जज साहब आर्टिकल 370 जो है ना, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर में रेफरेंडम दे दीजिए, पब्लिक ओपिनियन आप जारी कर दीजिए, वहां का लोगों को पूछ लीजिए, अगर मेजोरिटी खुश होगा तो गवर्नमेंट ने जो किया वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर वहां का जनता खुश नहीं होगा तो आर्टिकल 370 वापस लागू कर दीजिएगा विथ 35A। तो यहां एक सवाल तो कपिल सिब्बल को जरूर पूछना चाहिए, वो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, जानकार है, बहुत ज्यादा जानकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानता है, लेकिन वो रेफरेंडम का बात कह रहा है। तो सबसे पहले उसको ये चीज क्लियर करना चाहिए, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन में चलेगा या रेफरेंडम से चलेगा। इस देश में डेमोक्रेसी है, देश का पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम होता है, वहां पर यह डिसीजन लिया गया है। चलो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हो रहा है, उसका 60 आवर्स के बाद जो भी नतीजा आएगा आएगा, मैं 99.99% श्योर हूं कि सुप्रीम कोर्ट कोई गलत डिसीजन नहीं देगा, ठीक है। तो उसका सुनवाई का ऊपर ये सेंटेंस बोलना, ये क्या दर्शाता है कि ये जो लॉयर है एक केस जीतने के लिए या खुद को बहुत बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी बोलेगा। हमारा देश में यही लोग, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, आज खुद डेमोक्रेसी को मारने में लगा हुआ है, डेमोक्रेसी को बर्बाद करने में यही लोग लगा हुआ है। कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, प्रशांत भूषण, राजीव धवन,
ये लोग क्या देश चलाएगा क्या, उनके कहने पर देश चलेगा क्या? भाई आप लॉयर हो, जानकार रखते हो, बहुत ज्यादा जानकार रखते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप केस लड़ो ना, कौन मना करता है, जितना है उतना लड़ो, देश आपका बात से नहीं चलता है और चलेगा भी नहीं यार। इसका मतलब इन्हें कुछ भी बोल देगा। अगर मैं आपको कहूं ये रेफरेंडम जो है, ऐसे मैंने ये वीडियो ऑलरेडी इसका पर बना चुका हूं, चाहो तो आप देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देगा। रेफरेंडम वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है पाकिस्तान में। आप कोई भी टीवी का डिबेट देख लेना, वहां पर लास्ट 70 इयर्स में जितना भी ये लोग बोलता है, हर वो आदमी वही वर्ड बोलता है, रेफरेंडम कर दो, रेफरेंडम कर दो। आज वो लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट में ये लॉयर बोल रहा है। उसके बाद अगर हम उसको बोलता है कि भाई तुम पाकिस्तान चला जाओ, तुम पाकिस्तान का भाषा बोल रहा है, ये उसको खराब लगता है। फिर वही रोता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है कि जज साहब मुझे लोग गाली दे रहा है, मुझे लोग बोल रहा है पाकिस्तान चला जाओ। तुम देश का अगेंस्ट में काम करेगा, देश का कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में काम करेगा, उसके बाद बोलेगा हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया, हमारा राइट खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खतरे में है। वाह। और आपको मालूम है ये रेफरेंडम वेस्टर्न एक जो कल्चर है वहां का देश का होता है, हिंदुस्तान में इसका कोई मतलब ही नहीं है। वहां का जनसंख्या कितना होता है, एक यूरोपियन कंट्री में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़, 40 लाख 60 लाख 90 लाख 70 लाख, वहां रेफरेंडम कर सकते हो, उनका कल्चर ही अलग है भाई। हमारा ये देश हजार हजार साल पुराना है। हमारा देश में लोगों का जो देशभक्त है ना, ये किसी को सिखाया नहीं जाता है। कोई मां बाप अपने बच्चे को नहीं सिखाता है कि बेटा तुम बड़ा होकर देशभक्त बन जाना, तुम्हारा मन में ज्यादा देशभक्त जगवा लेना, कोई नहीं बोलते, वो अपने आप होता है, क्योंकि हमारा देश में हर कोई इस देश से जुड़ा हुआ होता है। सिर्फ इस टाइप का कुछ लोग नहीं जोड़ पाते। क्यों नहीं जोड़ पाते? उनको पढ़ना है विदेश में, उनका जो बेटा बेटी वो पढ़ता है विदेश में, उसका एक बंगला होता है विदेश में, उसका लाइफ ऑफ जो लाइफस्टाइल होता है वो वेस्टर्न होता है, उनको पढ़ना अच्छा लगता है, रुमान का जो रोमानियन कल्चर जो होता है, रोमानियन जो इतिहास है वो पढ़ने में उसको अच्छा लगता है, देश का महाभारत गीता इसको पढ़ना है नहीं, तो इसको इस देश से कोई लगा नहीं होता। तभी तो ये करने में लगा हुआ है। ये जो लिबरल सोच वाले लोग है ना, लेफ्ट विंग का, इनका इलाज करना बहुत जरूरी हो गया। ये अपने आप बहुत बड़ा एक दुनिया बना लिया है कि हम बहुत जानते हैं, बहुत बड़ा लॉयर है, तो हमसे ऊपर और कोई है ही नहीं, इस देश के लिए हम जो चाहे वो कर सकता है, हमारा कानून में इतना पहुंच है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा दबदबा है। इनको अब देखना, आज का दिन में भी मुगल को डिफेंड करता है ये लोग। क्या कहते हैं, मुगल ने कश्मीर को जन्नत बोला, तभी जन्नत है क्या? हम नहीं जानते हैं क्या कश्मीर जन्नत है कि नहीं? हर बार इन लोगों को आप देखो, हर चीज में मुगल को डिफेंड करता है। डिफेंड करना ही है तो मुगल का कारनामा में बोलो ना, हजार हजार जो हमारा टेम्पल बर्बाद किया, कितना हिंदुओं को वो फोर्सफुली कन्वर्ट किया, बोलो ना, वो क्यों नहीं बोलते? मतलब मुगल को डिफेंड करने में बहुत मजा आता है, मुगल को बड़ा प्रेजेंट करता है, नहीं मुगल लिबरल था, मुगल बहुत बढ़िया था, इसलिए तो बॉलीवुड में मूवी बनता है, ऐसे फूल सुन सुन के कल्चर क्या बनाता है, गजले मजले गाते हैं, मुगल तो लव अफेयर करते हैं, मुगल ऐसा है नहीं यार, ये लोग डिफेंड करता है मुगल को, लेकिन कभी ये नहीं दिखाता है कितना हजार हजार मंदिर तोड़ा इस मुगल ने, कितना लोगों के ऊपर क्या नहीं किया जुर्म यार, ये नहीं दिखाता है, मुगल को डिफेंड करता है। और किसको डिफेंड करता है? याकूब मेनन। और जेएनयू में, मतलब हर चीज देश का अगेंस्ट में कुछ एक्टिविटी होगा उसका ऊपर याचिका हो जाएगा, ये लोग सबसे पहले आ जाएगा, नहीं नहीं मैं डिफेंड करने के लिए आता हूं ना, अरे मैं इतना बड़ा लॉयर हूं, मैं इतना जानकार रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट क्या है यार, मुझे तो तरस होता है सुप्रीम कोर्ट का वो जज का ऊपर। इन लोगों को कितना टॉलरेट करेगा यार, हर चीज में रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा देता है, मतलब पेशेंस मानना पड़ेगा जज का भी, इन लोगों को टॉलरेट जो करता है ना,
हमें तो इसे दो तीन सेंटेंस या दो तीन केस ही हम देखते हैं, ज्यादातर टाइम तो फॉलो करते नहीं हम लोग, उसमें हमारा पेशेंस खो जाता है। आप सोचो सुप्रीम कोर्ट का जज का क्या होगा इन जैसे को जब हर बार टॉलराइट करना पड़ता है। और आज ये तो बिल्कुल कहना है, अगर रेफरेंडम सही में कश्मीर में होना है तो हिंदुस्तान का हर वो स्टेट में होना है। क्यों नहीं होना है, कश्मीर को ऐसा स्टेटस क्यों चाहिए स्पेशल? ये देश एक ही संविधान होना चाहिए, इस देश में एक ही तिरंगा होगा, कोई कश्मीर के लिए अलग तिरंगा नहीं होगा। इस देश के इस देश में एक अलग संविधान नहीं होगा तो नहीं होगा। ये समझ हर किसी को है, इन लोगों को नहीं है। ये देश इतना डेमोक्रेसी क्यों मेंटेन करता है हम में से हर किसी को मालूम है। अगर आज कश्मीर का ही मैं बात कहूं, वहां पर वो -20 में कोई एक गांव होगा ना, वहां पर 5 से 7 घर होगा, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन जाके इलेक्शन करते हैं, वोटिंग स्टार्ट करते हैं वहां पर। हमारा स्टेट, मैं आसाम से हूं, नॉर्थ ईस्ट में इतना भरी फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर भी अगर कोई एक गांव में होता है ना, कोई पहुंचा नहीं है, 2 या 3 ही घर है, वहां से जाके भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करते हैं। केरल में अगर कोई एक मछुआरा होता है ना, एक गांव में एक ही घर है, वहां पर भी जाके इलेक्शन कमीशन मछुआरा को वोटिंग करवाता है। क्यों? इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आज तुम बात करते हो रेफरेंडम कर दो, तुम सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, इसका मतलब तुम कुछ भी बोल देगा। और इनका आप देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है, पहले कांग्रेस पार्टी से था, आज का दिन में वो समाजवादी पार्टी से है। तो ये सब कारनामा करेगा कौन? वो देशभक्त वाला आदमी कौन, इस देश का वो सही आदमी इनको लाइक करेगा? कल ये वोट मांगने जाएगा, कौन देगा उसको वोट? फिर अखिलेश बोलेगा, अखिलेश यादव फिर बोलेगा ये ईवीएम में गलत हुआ है। अरे भैया, आपका जो ये लॉयर है ना, जो आपका लीडर है, उन्होंने कारनामा गलत किया है, उसका नाम पर आपको वोट नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा करो ना। ज्ञान बापी का अगेंस्ट में बोलेगा, राम मंदिर का अगेंस्ट में बोलेगा, हर चीज में। उसके बाद लोगों को पास जाके वोट मांगेगा। किस मुंह से जाते हो भाई? आज हिंदुस्तान में हर गांव गांव घर घर टीवी है, इंटरनेट है, हर किसी का हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, वो भी दिन में 1-2 GB भरा के न्यूज देखता है। हम जैसे का जो चैनल है वो देखता है, वो समझ पाते हैं, जैसे काफी सारा देशभक्त आदमी है, उन लोगों को सुनते हैं, मीडिया में देखते हैं, इनको समझ आता है, उसके बाद वो मतदान देते हैं, तभी तुम्हारा जो नतीजा आता है ना अगेंस्ट में आता है। इसका कारण ये है, तुम्हारा टीम में गलत आदमी है, वो भी पॉलिटिक्स में गलत नहीं, देश के लिए गलत आदमी है। जो चीज कश्मीर को डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है, उस चीज को हटा के कश्मीर को बर्बाद करने में लगा हुआ है ये लोग। और साथ में ऐसा ऐसा वर्ड यूज करता है, रेफरेंडम करवा दो। वही था मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना, आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो और खुश रहो।